बिहार की सियासत में एक बार फिर उठा पटक देखने को मिल सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो सकते हैं। हाल ही में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोला है, उससे इस दावे को बल भी मिल रहा है। दरअसल शरद यादव के निधन पर शोक संवेदना के बहाने उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के आलाकमान को निशाने पर लिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने अटकलों को हवा दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को सुनिए, जिसमें उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लिया है। देश के स्तर पे केंद्र बन गए थे शरद यादव जी, कोई दूसरा सेंटर नहीं बचा था। दिल्ली से वही एक्ट करते थे तो सामाजिक न्याय की गतिविधि चलती थी देश भर में। आज उनके जाने के बाद वह सेंटर ही समाप्त हो गया है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जीवन भर उन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संघर्ष किया और उनका अंत जिस रूप में हुआ, हाल के दिनों में कुछ दिनों से जिस तरह से मानसिक स्थिति उनकी जो बन गई थी वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। और उसका कारण है राजनीतिक रूप से जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। हमेशा परेशान रहते थे शरद जी कि कोई कम से कम समाचार उनका ले, हाल खबर ले, तो यह भी लोग नहीं करते थे। तो काफी उनका अंत दुखद अंत हुआ है। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। हम इस समय ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को दुख सहने की ताकत ईश्वर दे। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा कि शरद यादव ने जिन लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन अंत में उन लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, जिससे शरद यादव परेशान रहते थे। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका इशारा नीतीश कुमार और लालू यादव की तरफ था। पिछले कुछ समय में उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाओं पर कहा था कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं और मैं किसी मठ में नहीं बैठा हूं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी थी, जिसके कई मायने निकाले गए। इसके अलावा दिसंबर में उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह निचले स्तर के कर्मियों और अधिकारियों की वजह से फेल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।